Good morning, class. Today I will teach you alternating current. Root mean square current. इसको दूसरा नाम वर्चुअल करंट भी है. आरएमएस करंट भी बोला जाता है. इट इज स्टेडी करंट. विच प्रोड्यूसेस सेम अमाउंट ऑफ हीट. अमाउंट ऑफ हीट through a circuit for any time period of AC. As AC produces same amount of heat through same resistor for same time period. It is a steady current which produces same amount of heat through a circuit for any time period of AC, as AC produces same amount of heat through same resistor for same time period. ठीक है. तो मानते कोई डीसी में चलते हैं, मानते कोई रेसिस्टर है, उसे डीसी से फ्लो कराया गया. तो एच बराबर कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर आर टी, माने टी टाइम के लिए करेंगे. तो अगर इससे एसी फ्लो कराया गया, इसी रेसिस्टर में अगर रेसिस्टेंस आर है एसी फ्लो कराया गया, तो डीएच बराबर क्या होगा, डीएच इज इक्वल टू होगा आई स्क्वायर आर डी टी जीरो से लेकर टी तक. अब आई का वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, आई जीरो स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी आर डी टी जीरो से लेकर टी तक. इसमें कांस्टेंट क्या है, आई नॉट स्क्वायर आर कांस्टेंट है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी जीरो से लेकर टी तक. अब इसमें हम इंटीग्रेट तो कर नहीं पाएंगे इसका, तो एच हो जाएगा. तो आई नॉट स्क्वायर आर, तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए एक फॉर्मूला देना होगा, वन माइनस कॉस टू ओमेगा टी बाई टू डी टी जीरो से लेकर टी. तो कितना हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, आई नॉट स्क्वायर आर बाय टू, इतना तो ये हुआ. वन का इंटीग्रेशन होता है टी, माइनस कॉस ओमेगा टी का होता है साइन टू ओमेगा टी बाय टू ओमेगा जीरो से लेकर टी तक. तो कितना हो जाएगा, आई नॉट स्क्वायर बाई आर एच बराबर आर बाय टू टी माइनस जीरो माइनस साइन टू इंटू टू पाई बाई टी इंटू टी बाई टू ओमेगा प्लस साइन जीरो बाई टू ओमेगा. टी से टी कट गया, तो कितना हो गया एच इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर बाय टू इंटू टी. ये जीरो गए जीरो गए जीरो था ही, तो एच बराबर इतना हुआ. और डेफिनेशन से एच बराबर आई स्क्वायर आर टी ऐसा निकला. तो फ्रॉम डेफिनेशन, ये पहला इक्वेशन है डीसी के लिए एसी के लिए. तो फ्रॉम डेफिनेशन आई वी स्क्वायर आर टी बराबर आई नॉट स्क्वायर आर टी बाई टू. आर टी कैंसिल हो गया, आई वी बराबर हो जाएगा आई नॉट बाई रूट टू यानी 0.707. सिमिलरली ई वी बराबर होगा ई जीरो बाई रूट टू इज इक्वल टू 0.707. इस तरह से आप रूट मीन स्क्वायर करंट निकाल सकते हैं. रूट मीन स्क्वायर करंट कहना क्या चाहता है, कहता है करंट ऐसा करंट जो सेम अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करता है किसी भी रेसिस्टर से, चाहे एसी फ्लो करें या डीसी फ्लो करें, और किसी टाइम पीरियड के लिए करें. जितना एसी डी हीट डेवलप करेगा किसी रेसिस्टर से, उतना ही डीसी करेगा. यही डेफिनेशन है इसका बोर्ड के आधार पर. और दूसरे तरीके से अगर इक्वेशन दिया है तो हम डायरेक्ट भी इसको डिराइव कर सकते हैं. तो पहले बोर्ड वाला समझ लेते हैं. पहले डीसी के लिए निकाले, उसके बाद एसी के लिए निकाले, और डेफिनेशन से दोनों को इक्वल किए, तो एक रिलेशन हो गया पीक करंट और वर्चुअल करंट के बीच में. ई वी इज इक्वल टू आई नॉट बाई रूट टू आई वी इज इक्वल टू आई नॉट बाई रूट टू. इसका स्क्रीन शॉट लीजिए. डायरेक्ट भी हम निकाल सकते हैं अगर इक्वेशन दिया हुआ था तो.
अगर मानते हैं कि इसमें कैसे निकालेंगे, पहले आई बी स्क्वायर लिख देंगे, रूट मीन स्क्वायर करना था, इसको लिखेंगे रूट मीन स्क्वायर, तो आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी जीरो से लेकर टी तक, आई नॉट बाहर निकल गया आई नॉट स्क्वायर, साइन स्क्वायर को लिख सकते वन माइनस कॉस टू ओमेगा टी बाय टू जीरो से टी डी टी, तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर बाय टू। वन का सेकंड मेथड बता रहे हैं जो बोर्ड में काम नहीं आएगा ऐसा, साइन टू साइन का साइन टू ओमेगा टी बाय टू ओमेगा जीरो से लेकर टी, तो आई नॉट स्क्वायर बाय टू ये होगा टी माइनस जीरो माइनस साइन टू इंटू टू पाई बाय टी इंटू टी बाय टू ओमेगा प्लस साइन जीरो बाय टू ओमेगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं कितना आ जाएगा आई नॉट टी आर छूट गया आर नॉट स्क्वायर टी बाय टू, वैल्यू पुट करने के बाद कितना बराबर हो गया रूट मीन स्क्वायर, मीन में नहीं किए उसका टी से डिवाइड करेंगे, टी से डिवाइड कर दिए, टी से डिवाइड किए, टी से डिवाइड किए, टी से डिवाइड किए, टी से टी कर दिया, इसमें आर होगा ही नहीं ठीक के गलत हम तो आर ले ही रहे आर से कोई मतलब नहीं है, टी से डिवाइड किए, फिर से समझिए आई रूट मीन स्क्वायर, तो पहले मीन स्क्वायर कर लेते हैं और इसको रूट बाद में करेंगे, उसके बचने के लिए क्या कर लिए इधर आई वी स्क्वायर ले लिए, तो ये इक्वेशन इंस्टेंटेनियस का है था आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी, तो आई वी लिए तो इसका आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी ले लिए, लिमिट जीरो से टी तो टी माइनस जीरो से डिवाइड कर दिए, ये कॉन्स्टेंट बाहर निकल गया इसका इंटीग्रेशन नहीं निकल सकता, तो इसको कन्वर्ट कर लिया वन माइनस कॉस टू ओमेगा टी बाई डी टी, अब जो कांस्टेंट बाहर निकल गया इसका इंटीग्रेशन हो गया वन, इसका इंटीग्रेशन हो गया साइन टू ओमेगा टी बाय टू ओमेगा जीरो से टी लिमिट हो गया, ये आई नॉट स्क्वायर बाय टू टी बाहर निकल गया टी माइनस जीरो हो गया, इसका वैल्यू पुट कर दिए तो वो सब जीरो हो गया, ये टी से टी कट गया तो ये जीरो हो गया साइन जीरो जीरो ये जीरो फोर पाई जीरो टी बचा, तो आई नॉट स्क्वायर टी बचा बाय टू टी, तो क्या बच गया आई नॉट स्क्वायर बाय टू आई भी स्क्वायर इज इक्वल टू, तो हम तो रूट निकालना है तो रूट ओवर आई नॉट स्क्वायर बाय टू टू है सॉरी आर लिखा गया तो कितना होगा टू, दिस इज इक्वल टू आई नॉट बाय रूट टू, सिमिलरली ई भी इज इक्वल क्या हो जाएगा ई नॉट बाय रूट टू, आपको डायरेक्ट ऐसे भी प्रूफ कर सकते हैं आपकी मर्जी जैसे आप प्रूफ कर लीजिए ठीक है, कोई भी इक्वेशन दे दे आप इस तरह से डिराइव कर लीजिएगा। दोनों के बीच के रेशियो को कहा जाता है फॉर्म फैक्टर, द फॉर्म व्हाट इज फॉर्म फैक्टर, अगर एक नंबर में पूछ दिया इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अगर पूछे व्हाट इज फॉर्म फैक्टर तो फॉर्म फैक्टर इज द रेशियो ऑफ इट इज द रेशियो ऑफ मीन का रूट मीन स्क्वायर करंट टू द मीन करंट, मतलब इसका होता है आई बी बाई आई एम, आई बी बराबर होता है आई नॉट बाई रूट टू, आई एम बराबर होता है आई नॉट इंटू सेवन बाई इलेवन, आई नॉट कर दिया इलेवन बाई सेवन इंटू वन पॉइंट फोर वन फोर, इलेवन डिवाइडेड बाई सौ अट्ठाईस के आठ अच्छा एक चौदह सत्तर अंठानवे चौदह सत्तर अंठानवे नाइन पॉइंट एट नाइन एट डिवाइड करेंगे इलेवन में नाइन पॉइंट इलेवन में तीन जीरो आ देते हैं नाइन एट नाइन एट, कितना मतलब लगेगा एक मतलब लगेगा नाइन एट नाइन एट, दस में से आठ बचा दो, दस में से नौ बचा एक, दस में से आठ गया चाहे दो, नौ में से नौ गया जीरो, नौ में से आठ गया चाहे एक, दस में से नौ गया चाहे एक, पॉइंट दे देंगे जीरो आ गया, फिर उतना ही एक मरते ही लगेगा नाइन एट नाइन एट, दस में से आठ गया दो, ग्यारह में से नौ दो ग्यारह, और ये नौ में से आठ गया चाहे एक, दस में से नौ गया चाहे एक, फिर लगेगा शायद एक ही मरते लगा फिर लगेगा
9 8 9 8 10 में से 9 8 गया बचा 2 11 9 2 11 11 में से 8 गया 8 3 11 और 10 में से 9 गया 1 फिर पॉइंट देंगे तो 1.11 ये फॉर्म फैक्टर का रेशियो है दिस इज द रेशियो ऑफ फॉर्म फैक्टर 1.11 तो अगर एक नंबर पूछना होगा तो पूछेगा व्हाट इज द फॉर्म फैक्टर इसके बाद कितना पावर कंजप्शन होता है इसमें व्हाट इज द पावर कंजप्शन ऑफ इन अल्टरनेटिंग करंट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए पावर फैक्टर इन अल्टरनेटिंग करंट पावर फैक्टर इन एसी तो इंस्टेंटेनियस पावर क्या होता है इंस्टेंटेनियस पावर इट इज द प्रोडक्ट ऑफ इंस्टेंटेनियस करंट इंस्टेंटेनियस करंट एंड इंस्टेंटेनियस इट इज द प्रोडक्ट ऑफ इंस्टेंटेनियस करंट एंड इंस्टेंटेनियस ईएमएफ इंस्टेंटेनियस करंट और इंस्टेंटेनियस ईएमएफ के प्रोडक्ट को कहा जाता है इंस्टेंटेनियस पावर पी इज इक्वल टू आई इंटू ई तो लेट आई इज इक्वल टू आई जीरो साइन ओमेगा टी एंड ई इज इक्वल टू ई जीरो साइन ओमेगा टी प्लस फाइव ठीक है तो इसका होगा आई जीरो साइन ओमेगा टी और ये हो जाएगा ई जीरो साइन ओमेगा टी प्लस फाइव तो इसे आगे बढ़ते हैं इसको तोड़ने का ही तरीका एकमात्र ही बच गया ई जीरो आई जीरो साइन ओमेगा टी और साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू होगा साइन ओमेगा टी इंटू कॉस फाइव और प्लस कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाइव इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं ई जीरो आई जीरो कॉस फाइव साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस ई जीरो आई जीरो साइन फाइव इंटू साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी अब इसको तोड़ सकते हैं अगर हम पावर निकालना चाहेंगे तो इसको तोड़ना बहुत जरूरी है दिस इज इक्वल टू लिखेंगे ई जीरो आई जीरो कॉस फाइव इसको लिख सकते हैं 1/2 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी इसको क्या लिख सकते हैं प्लस ई जीरो आई जीरो साइन फाइव बाय 2 साइन 2 ओमेगा टी अब हम पावर की जगह वर्क डन पहले इंस्टेंटेनियस पावर था वर्क डन निकालते हैं तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डी टी होता है डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी इंटू डी टी पी निकला है ई जीरो आई जीरो कॉस फाइव बाय 2 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डी टी जीरो से लेकर टी तक प्लस ई जीरो आई जीरो साइन 5 बाय 2 इंटीग्रेशन साइन 2 ओमेगा टी डी टी जीरो से लेकर टी तक तो कितना हो जाएगा ई जीरो बाय 2 आई जीरो कॉस 5 बराबर क्या होगा कॉस 5 भी रख लेते हैं 1 माइनस का इंटीग्रेशन होगा 1 का होगा टी और कॉस ओमेगा टी का साइन 2 ओमेगा टी बाय 2 ओमेगा जीरो से टी माइनस ई जीरो आई जीरो साइन 5 बाय 2 साइन 2 ओमेगा टी का होता है यहाँ प्लस है लेकिन साइन 2 ओमेगा माइनस कॉस इसलिए माइनस लिए कॉस 2 ओमेगा टी बाय 2 ओमेगा 2 ओमेगा बाहर लिख सकते हैं जीरो से लेकर टी तक तो वैल्यू पुट करते हैं W बराबर हुआ था ई जीरो आई जीरो कॉस फाइव बाय 2 इसका होगा टी माइनस जीरो माइनस साइन 2 इंटू 2 पाई बाय टी ओमेगा का वैल्यू इस टी की जगह टी बाय 2 ओमेगा एक बार जीरो वैल्यू कर देंगे तो साइन 0 बाय 2 ओमेगा खत्म उसके बाद है माइनस ई जीरो आई जीरो इंटू साइन फाइव बाय 2 इंटू 2 ओमेगा कॉस 2 इंटू 2 पाई बाय टी इंटू टी माइनस कॉस 0 टी से टी कट गया
टी से टी कट गया, आया ई जीरो आई जीरो कॉस फाइव बाई टू इंटू टी, ये जीरो होता है ये जीरो होता है, पूरा जीरो हो गया, कॉस ये टू पाई वन आई वन जीरो हो गया, ये पूरा जीरो हो गया, मतलब इतना ही आया डब्लू। इसका स्क्रीन शॉट लीजिए जल्दी, डब्लू बराबर आया ई जीरो आई जीरो कॉस फाइव बाई टू इंटू टी, ठीक है। तो आप इसका आगे बढ़ते हैं, W बराबर आया E जीरो I जीरो बाई टू इंटू कॉस पाई टी, इसको लिख सकते हैं E जीरो बाई रूट टू I जीरो बाई रूट टू इंटू कॉस पाई इंटू टी, टी को इधर ले आते हैं तो W बाई टी बराबर I जीरो बाई रूट टू ई भी होता है, I जीरो बाई रूट टू आई भी होता है इंटू कॉस पाई, डब्ल्यू टी बराबर पावर होता है, पावर इज इक्वल टू होगा ई भी आई भी इंटू कॉस पाई, दिस इज द इक्वेशन ऑफ एवरेज पावर, एवरेज पावर का ये इक्वेशन है, वेयर कॉस पाई इज कॉल्ड पावर फैक्टर, कॉस पाई इज कॉल्ड पावर फैक्टर, न्यूमेरिकली इट इज इक्वल टू, न्यूमेरिकली इट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ, इक्वल टू द रेशियो ऑफ ओमिक रेसिस्टेंस टू द इम्पीडेंस, आगे बताएंगे क्या होता है, यानी कॉस पाई इज इक्वल टू आर बाई जेड, ये आगे हम बताएंगे कि क्या होता है, ये इस बार बोर्ड में इसको हटा भी दिया, तो अब पावर फैक्टर पूछेगा नहीं व्हाट इज पावर फैक्टर, लेकिन आपको जानना है विदाउट पावर फैक्टर कैन नॉट डिटरमाइन द पावर कंजप्शन व्हेन एसी इज फ्लोइंग थ्रू द रेसिस्टर, एसी इज फ्लोइंग थ्रू द इंडक्टर, एसी फ्लोइंग द कैपेसिटर, एसी इज फ्लोइंग थ्रू कंबाइंड रेसिस्टर, ईवी एलआर सर्किट सीआर सर्किट एलसीआर सर्किट, सो पावर फैक्टर इज द इम्पोर्टेंट वन, बट इट कैन नॉट बी आस्क इन द बोर्ड एग्जामिनेशन इन दिस ईयर इन दिस कोरोना ईयर, सीबीएसई डिटेक्ट दिस टॉपिक इन फॉर दिस ईयर ओनली, फॉर दिस ईयर ओनली रिमेम्बर दिस। तो पावर फैक्टर इन एसी हो गया, इसका आप स्क्रीन शॉट लीजिए। अब इसमें कुछ इम्पोर्टेंट टर्म है जिसके आगे बढ़ने से पहले एक इम्पोर्टेंट टर्म बताना बहुत जरूरी है, पहला इम्पोर्टेंट टर्म है कि फर्स्ट इम्पोर्टेंट टर्म है फेज, तो आई इज इक्वल टू आई जीरो साइन ओमेगा टी, देन वेयर फेज क्या होता है, एंगुलर पोजीशन ऑफ इंस्टेंटेनियस करंट एंड ईएमएफ इज कॉल्ड फेज, एंगुलर पोजीशन ऑफ इंस्टेंटेनियस करंट करंट एंड इंस्टेंटेनियस ईएमएफ इज कॉल्ड फेज, उसको फेज कहा जाता है। तो यहां पर फेज क्या है, ओमेगा टी हेयर, ओमेगा टी इज फेज, ठीक है। दूसरा फेजर, एक और इंपॉर्टेंट टर्म है फेजर, व्हेन स्केलर क्वांटिटी आर रिप्रेजेंटेड इन वेक्टर फॉर्म, देन इट इज कॉल्ड फेजर, हेयर ईएमएफ एंड करंट आर फेजर, यहां पर इंस्टेंट फेजर है करंट और ईएमएफ, क्योंकि इसी को हम वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने वाले हैं आगे। फेजर डायग्राम किसको कहते हैं, फेजर डायग्राम व्हेन फेजर आर रिप्रेजेंटेड इन द कोऑर्डिनेट सिस्टम देन इट इज कॉल्ड फेजर, तब इसको फेजर कहा जाता है, फेजर डायग्राम। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में जब इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे तो ऐसे डायग्राम को फेजर कहा जाता है। एक चीज और भी क्लियर कर देते हैं, जैसे आई बराबर आई जीरो साइन ओमेगा टी दिया हुआ है, ई बराबर ई जीरो साइन ओमेगा टी प्लस फाइव दिया हुआ है,
तो कौन लीड कर रहा है, तो ओमेगा टी प्लस फाइव दिया हुआ है, तो ई इज लीडिंग टू आई, आई बाई फाइव। लीड को कंपेयर करने के लिए जरूरी है कि आप देखें कि प्लस है तो यहाँ भी प्लस होना चाहिए, ये साइन है तो यहाँ भी साइन होना चाहिए, फिर एंगल में कंपेयर कीजिएगा। दो चीज आपको समझना जरूरी है कि एम्पलीट्यूड का साइन क्या है, अगर दोनों प्लस है तो ठीक है, फिर उसका फंक्शन क्या है, साइन है कि कॉस है, अगर दोनों साइन है तब ठीक है, अगर कॉस है तो उसको साइन में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, या साइन है तो कॉस में, जिसमें कंपेयर करना है आपको साइन में कंपेयर कीजिए, कॉस को कॉस में, जैसा कंपेयर करना है। उसके बाद एंगल का डिफरेंस को कहेंगे कौन लीड कर रहा है, किसमें प्लस है किसमें माइनस है, उसके आधार पर कौन लीड कर रहा है कौन लैग कर रहा है, कौन पीछे कौन आगे चल रहा है, ये पता चलेगा हमको। तो ये तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आगे पढ़ाने से पहले हमको बताना था। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इसमें छह केसेस हो सकता है, अगर अल्टरनेटिंग करंट फ्लो करा रहा है किसी सर्किट में, तो पहला फैक्टर है एसी थ्रू रेसिस्टर, दूसरा एसी थ्रू इंडक्टर, एसी थ्रू कैपेसिटर। तीन चीज हम पढ़े, रेसिस्टर चैप्टर में रेसिस्टर पढ़े, कैपेसिटर में कैपेसिटर पढ़े, पहले कैपेसिटर पढ़े फिर रेसिस्टर पढ़े, और उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम इंडक्टर पढ़े, यानी तीनों में करंट कैसे फ्लो करेगा, एसी फ्लो करेगा तो क्या उसका बिहेवियर होगा, उसके बाद दोनों कंबाइन कर करके भी चलेंगे, एसी थ्रू एलआर सर्किट, एसी थ्रू सीआर सर्किट, एसी थ्रू एलसी सर्किट, एलसी सर्किट ऑसिलेशन, और तीनों को जोड़ देंगे तब क्या होगा, तीनों सीरीज में भी पढ़ना है, पैरेलल में भी पढ़ना है, लेकिन पैरेलल यहाँ पर बीएससी में पढ़ना है, यहाँ पर आपको सीरीज में ही पढ़ना है, तो आप सीरीज में इसको पढ़िएगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। थैंक यू।